शौक बड़ी चीज है, किसी को कपड़ों का होता है, किसी को घड़ियों का और किसी को गाड़ियों का। गुजरात के नवसारी में ऐसे ही एक शख्स हैं, जिन्हें पुरानी मोटरसाइकिल्स के कलेक्शन का शौक है। इनका नाम है सिद्धार्थ, जो पेशे से किसान है। ये विंटेज बाइक्स इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। इनके पास 1910 से 1965 तक की 45 मोटरसाइकिल्स हैं, जिनमें कुछ ऐसी बाइक्स हैं जो वर्ल्ड वॉर में भी उपयोग की गई थी। विश्व युद्ध के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इन भारी बाइकों पर युद्ध के सैनिक अपना भारी सामान लेकर चला करते थे। समय के साथ ये वाहन दिखाई देना बंद हो गए, लेकिन अब पुरानी प्राचीन वस्तुओं की श्रेणी में माना जाना भी दुर्गम है। ऐसे वाहनों का एक बड़ा संग्रह नवसारी युवा किसान ने भारत का दौरा कर एकत्रित किया है। सिद्धार्थ अपने पिताजी के शौक को अब आगे बढ़ा रहे हैं। ९९० से उन्होंने स्टार्ट किया है ये बाइक कलेक्शन का, और उसमें जो सबसे पुरानी है वो रॉयल एनफील्ड है, 1910 की है और वो ब्रिटेन मेड है। वहां पे जो रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट साइकिल थी वो हमारे पास है। और खासियत की बात है, हमारे पास तीन ऐसे बाइक्स है, तीन कंपनियों के, उसमें नॉर्टन है, ट्रायम्फ है और एजेएस है, जो वर्ल्ड वॉर में यूज हुए बाइक्स है और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुए थे वो बाइक्स। तो आपने किस तरह उसके आपके पास आई वो एक्चुअली क्या था कि अभी आप देखने जाओ तो शोरूम से मिल सकता था बाइक, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो ये सब जो बाइक्स थी वो कुछ कुछ महाराष्ट्र में थी, पुणे, नासिक, कुछ राजस्थान में थी, कुछ दिल्ली में थी। तो वहां से कलेक्ट करके, ये ऐसा था कि ये बाइक चालू कंडीशन में नहीं थी, वहां से ऐसे स्क्रैप कंडीशन में लेके आया और उसको रिस्टोर किया और उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया है हमने। इन बाइक्स को चालू करने में सिद्धार्थ को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सुनिए। ये जो बाइक्स है वो वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी बाइक्स थी, तो उसका जो यूज हुआ वो आप उसका सोच सकते हो कैसे यूज हुआ होगा। तो उसका जो इंजिन का जो पार्ट्स होता है वो अभी मिलता नहीं है, वो बंद हो गया था। तो कहीं कहीं हमने महाराष्ट्र में गए, हैदराबाद से भी कुछ सामान लेके आए हम ये बाइक्स के लिए। और यानी एक बाइक हम लेते हैं तो उसको रिस्टोरेशन के पीछे 1.5 साल लग जाता है उसको स्टैंड आउट करने में। कितना खर्चा होता है मिनिमम अगर बाइक को रिस्टोर करना है तो 1.5 से 2 लाख होता है खर्चा, और ऐसे देखा जाए तो साल में 2 से 3 लाख खर्चा पूरा मेंटेनेंस का, पूरी बाइक्स का होता है। विंटेज हेरिटेज जो बोला जाए उसमें मेरे पास अभी 45 बाइक्स है, और उसमें साइकिल्स भी है जो पुराने टाइम थी, यानी मोटरसाइकिल्स, यानी साइकिल पे इंजिन होता है वो भी है और बाइक्स है, और 45 है। 3-4 जो बाइक्स है अभी मेरे पास वो रिस्टोरेशन प्रोसेस में है। ऐसा शौक क्यों आया? ये एक्चुअली मेरा पिताजी का शौक था, वो पैशन था। मैं छोटा था तो ये बाइक्स मैं देखता था, मैं इसको यूज भी करता था, कॉलेज में भी लेके जाता था। तो मेरे को थोड़ा समय हुआ तो उसमें मेरे को आइडिया आया कि ऐसी बाइक्स आगे जाके भी कलेक्ट करनी चाहिए हमें। सिद्धार्थ पिता द्वारा प्राप्त विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वह ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां मोटरसाइकिल युग का आनंद ले सके और जान सके जो अंत की ओर बढ़ रहा है।